तो अग्निपथ योजना को लेकर आगजनी। सवाल इस चीज को लेकर उठ रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्रों को आखिर तेल और तीली किसने दी। कई शहरों में प्रदर्शन और आगजनी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बिहार के समस्तीपुर के साथ साथ आरा, बक्सर, बेगूसराय में युवक सड़कों पर उतरे हुए हैं। वहीं यूपी के बलिया में भी सुबह से प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। अग्निपथ को लेकर जो महासंग्राम चल रहा है, जिस तरीके से आगजनी की तस्वीरें आ रही हैं, वो आंच लगातार कई शहरों में फैलती चली जा रही है। ये पांच तस्वीरें जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बिहार और उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से आ रही हैं। बिहार की ये पांच तस्वीरें आपको बता दें, समस्तीपुर, बलिया, बक्सर, आरा और बेगूसराय की हैं। बलिया उत्तर प्रदेश में भी आज सुबह से प्रदर्शनकारी विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं और रेलवे की संपत्ति को निशाना बना रहे हैं। तो सुलगती हुई इन तस्वीरों के साथ साथ कई सवाल भी सुलग रहे हैं। सवाल अग्निपथ योजना को लेकर उठ रही हिंसा की इन तस्वीरों को लेकर है। क्या ट्रेन जलाने से नौकरी मिल जाएगी? सवाल इस चीज को लेकर भी है कि देश की संपत्ति को आखिर नुकसान क्यों पहुंचाया जा रहा है। सवाल यह भी है कि ट्रेन फूंकने वाले क्या सेना में जाने के लायक हैं? तो ये बड़े सवाल लगातार आपका चैनल एबीपी न्यूज भी उठा रहा है। हिंसा के पीछे किसकी साजिश है? साथ ही इस चीज को लेकर भी सवाल है, किसानों को लाभ से वंचित करने की कोशिश की। अग्निपथ वो है जिसे नौजवानों को बेहतर रोजगार की व्यवस्था की गई है। अब हम आर्मी में चार में से एक को कह रहे हैं कि लेंगे, और ये तीन चार साल में रेडी टू जॉब रहेंगे। 12 लाख से 20 लाख उनको पड़ेगा। गृह मंत्रालय के सारे पैरामिलिट्री, राज्यों के दरवाजे, फिर आने वाले समय में फिर उनकी नियुक्ति, यानी एक तरह से स्किल्ड फॉर जॉब, रेडी टू जॉब होगा। ये रेडी टू जॉब को, और मैं राज्य सरकारों से आग्रह करूंगा कि जिनके राज्यों में, चाहे बिहार हो चाहे दंगे हुए हैं, चिन्हित किया जाए कि उसमें गैर विद्यार्थी कितने लोग हैं। ये राजनीतिक दलों के लोगों ने विद्यार्थियों को ढाल बना करके राष्ट्रीय संपत्ति का जलाने का काम किया, बर्बाद करने का काम किया। आपके सहयोगी जदयू ने भी मांग करी है वापसी लेने की। इसे लोग अग्निवीर को समझें, ये बेटर रोजगार देने की पद्धति व्यवस्था की गई है। कोई बता दे, 10th पास को 10 लाख से लेके 22 लाख तक का 4 साल और फिर वही रोजगार के, ये एक स्किलिंग की अलग व्यवस्था की गई है। तो जो लोग नहीं समझे हैं वो समझने की कोशिश करें, और जहां आंदोलन हुआ है वहां पहचाने कि गैर विद्यार्थी कौन। बिहार में सबसे ज्यादा हिंसा हो रही है। मैं तो कह दिया कि वहां आरजेडी के गुंडे करा रहे हैं। पूर्णिया सिटी जानिए। पूर्णिया सिटी, हाँ शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है।
कोरिया सिटी। दुनिया को बदलने कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News आपको रखे आगे।